नमस्कार, एमएचपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्की जैन और इस वक्त हम मौजूद हैं भिवानी के अंदर। और साथ साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार हम पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में इन तमाम लोगों से पहले कोई बात नहीं, यहाँ हर कोई नेता है। जब चुनाव का मौसम आता है तो हर कोई नेता हो जाता है जनाब। चलिए मैं जनता से सबसे पहले बात करूंगा, कोई बात नहीं। आप भिवानी के रहने वाले हैं? वैसे भी विधानसभा। चलिए, आज 5 साल जनता के पास, 5 साल बाद ही आता है नेता। जब भी चुनाव होते हैं उसकी ड्यूटी पर आता, सर पटकता, पेशानी पर परेशानी होती है और वो चाहता है कि वो उसे वोट दे दे। तो आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी, क्यों आपको वोट दे, क्यों उसे वोट देना चाहते हैं? तो कुछ हैं आपके मुद्दे जिनसे आप चाहते हैं? मुद्दे हैं कि मैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रदेश पर रखता हूँ। आप इस वक्त एक आम नागरिक हैं, आप क्या हैं ये नहीं जानना चाह रहे हैं? उसी की बोलो जी। जी बताएं, आपका मुद्दा क्या? हमारा आंदोलन लगातार चला हुआ है और हमने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। लोकसभा चुनाव में हमने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की और हम दूसरी पार्टियों कह रहे हैं कि कर्मचारियों के प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उसी कर्मचारी भी अपना फैसला लेंगे और भी बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, आप भी भिवानी से रहने वाले जी, कुछ मुद्दे हैं आपके? मैं यहाँ किसी तरह की राजनीति नहीं चाहता कि आप किसी एक पार्टी की बात करें, आप किसी एक के समर्थक बन जाएं। मुद्दे क्या हैं, बेसिकली आपकी जरूरत क्या है? भिवानी के मेन मुद्दे जी बिजली, सड़क जी और शिक्षा के लिए। मतलब बिजली नहीं है आप कहते हैं भिवानी में, शिक्षा नहीं है, कॉलेज जमात बच्चे एडमिशन नहीं हो रहे उनके लिए, कॉलेज नहीं है, कॉलेजों में सीटें। कॉलेज तो बहुत सारे नजर आते हैं। नहीं, सीटें नहीं है जी। आज हम कहाँ चली जाती हैं सीटें? सीटें है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली जाती है आज। तो चलो सीटों को ढूंढने का भी काम करेंगे आज कि वो सीटें जाती कहाँ है जो इतने सारी सीटें बनाई गई हैं। हमारे मेहमान तीनों आ चुके हैं, सीधा पहले उन्हीं के पास चलेंगे फिर वापस जनता के बीच में आएंगे। शुरुआत मैं शिवशंकर भारद्वाज जी आपसे करना चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। शिवशंकर भारद्वाज जी, यहाँ पब्लिक भी है, पब्लिक ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया कि भिवानी के जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, सड़क और उसके साथ साथ बात करें सुरक्षा की, वो कुछ नहीं है। तो बात करें, आपको लगता है भिवानी में इस बात का आपके पास कोई जवाब है क्यों शिक्षा कहते हैं कॉलेज है लेकिन सीटें नहीं है? बोलिए। ऐसा है, भिवानी में शिक्षा में काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी देर इज ए रूम एट द टॉप, बहुत गुंजाइश भी है। अगर देखेंगे पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे 2 नए कॉलेज बने हैं, जो बीएड का कॉलेज है, अगर सबसे सुंदर बीएड का कॉलेज कहीं है तो वो हरियाणा में भिवानी में है। सबसे सुंदर बीएड का कॉलेज कहीं है तो वो हरियाणा में है। मैं यहाँ आऊंगा बात भी और आपके पास भी। शर्मा जी, वो कहते हैं यहाँ पर सुरक्षा, और आप इन मुद्दों से कितना सहमत है जो जनता कह रही है? जनता कहती है ना सुरक्षा, हम उसे वोट करेंगे जो सुरक्षा देगा, शिक्षा देगा, सड़क देगा और तमाम चीजों की जो उनकी जरूरतें वो पूरी करेगा। देखो, पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का शासन है और पिछले 10 साल का जनता से देख लीजिए जो पिक्चर सामने है, मुंह बोलती हुई है ना। यहाँ पर सड़कों की दुर्दशा है, यहाँ पर चिकित्सा नाम की कोई चीज नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरे नहीं है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या लड़कियों की है, वहां पर केवल मात्र एक ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर कम से कम भी, जहां पर 3-4 लाख की आबादी का शहर है, वहां पर 3-4 लड़कियों के स्कूल होने चाहिए थे। अभी यहाँ पर बेस कॉलेज के सामने धरना देकर के बच्चे बैठे, कोई शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। एक मिनट, लेकिन आप ही बोलेंगे तो मैं औरों से कैसे जवाब दूंगा? एक एक करके आते हैं ना, अगर आप ही तमाम चीज बोल लेंगे। शिक्षा की बात करी, राहुल जी हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, इनेलो से भी बात है, अगर आपने भी जनता की बात सुनी, शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आपको भी कुछ कहना है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भिवानी की दुर्दशा बहुत है इस टाइम। और यहाँ पे क्या है, हर पार्टी, ठीक है, जो कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, या एक्स वाई जेड जितने भी लोग हैं, सारी की सारी पार्टियां इनेलो। देखिए, ऐसा है, इनेलो ने ये पहला कदम चूज किया है कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को, एक समाज सेवी आदमी को उन्होंने पार्टी का काम करने के लिए उठाया है। ऐसा है, जो भिवानी की मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो भिवानी में सड़क व्यवस्था और जो बिजली पानी आप कह रहे हैं वो आंखों देखा हाल है। यहाँ पे कुछ नहीं है, शिक्षा के स्तर पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो बेसिक डेवलपमेंट आएगी यहाँ पे, डेवलपमेंट देने के जरिए से आएगी। अगर आप बात करें इंडस्ट्री की, यहाँ पे रोज इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल यहाँ मेट्रो के हम इतना क्लोज हैं, हम दिल्ली के 150 किलोमीटर की दूरी पे हम बसे हुए हैं, ठीक है। भिवानी एक आइडियल शहर होना चाहिए जिसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। आप कहीं का भी उठा के एग्जांपल देख लीजिए। बात बताइए, 10 साल पहले आइडियल क्यों नहीं बनाया फिर? आप भी तो थे सत्ता में। देखिए, 10 साल पहले आज के मुकाबले में 10 साल पहले जो है यहाँ के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर यहाँ से बेहतर था। अगर ये बात अगर जनता को जाए, 10 साल में यहाँ पर स्ट्रक्चर खराब ही हुआ है। जी जी बोले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 96 से लेके 99 तक बीजेपी का राज था और 99 से लेके 2005 तक एनएलडी का राज था।
इन्होंने पूछे कितने कॉलेज बनवाए। अगर कोई कॉलेज बनवाए हैं तो कांग्रेस राज में बने हैं, चाहे वो लड़कियों का सरकारी कॉलेज जिसका नाम राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है, या बीएड कॉलेज जैसा कि मैंने बताया सबसे सुंदर बीएड कॉलेज अगर कोई है तो वो भिवानी में है। सुंदर है या उसमें सीटें भी है? शुरू हुई है चौधरी बंसीलाल के नाम से शुरू हुई है। लेकिन शर्मा जी कहते हैं कि हम लोग धरना दे रहे हैं। दोस्तों से जी नेगेटिव सोच है कि जब इनका राज था तो इन्होंने क्या किया, हमारे राज में कम से कम यूनिवर्सिटी बनी, पॉलिटेक्निक बंसीलाल जी के नाम से पॉलिटेक्निक यहाँ पे बना, बीएड कॉलेज बना और लड़कियों का बिल्कुल। मैं एक बार मैं आप लोग बिल्कुल यहाँ यहाँ किसी की बात नहीं करते हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल मैं जी बिल्कुल मैं एक बात बताइए, यहाँ पर नेता कहते हैं कि यहाँ कॉलेजेस भी बहुत हैं, यहाँ पर शिक्षा भी बहुत है, आपको भी लगता है ऐसा है? ये नंबर वन की बात करते हैं, नंबर वन हरियाणा, नंबर वन हरियाणा बलात्कार में, नंबर वन हरियाणा विकास के भेदभाव में, नंबर वन हरियाणा कर्मचारियों को कोई तनख्वाह नहीं दी, कोई व्यवस्था नहीं करी। 10 साल की भारद्वाज साहब बात कर रहे हैं, इस 10 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर भिवानी जिले को बहुत गर्त में भेज दिया, इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, शिक्षा यहाँ नहीं है, शिक्षा अब कहते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी तरह की राजनीति नहीं कर रहे, हम एक मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिक्षा का। मुद्दा यह शिक्षा का और यहाँ कानून व्यवस्था का नाम का कोई चीज नहीं है पूरे 10 साल के अंदर। लेकिन उससे पहले INLD की भी सरकारें रही है, बीजेपी की भी सरकारें रही है। INLD के अंदर मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा जी। INLD के अंदर 2005 से लेकर 2005 तक 5 साल में 18,500 बच्चों को रोजगार मिला था। देखिए यहाँ मुझे एक पार्टी के प्रवक्ता बनते नजर आ रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता नहीं बनना भाई, पार्टी के प्रवक्ता नहीं बनना जी। नहीं नहीं मैं आपसे बात कर चुका हूँ भाई साहब, आप एक बात बताइए, यहाँ बीजेपी कांग्रेस इनेलो तीनों लोग मौजूद है, वो कहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10 साल तक अगर किसी की सरकार 10 साल में भिवानी में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं कराया। अगर आप देखना चाहते हैं दलित बस्तियों के अंदर जाके देखिए, वहाँ पे कोई गलियां नहीं बनी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल 10 साल में अगर 10 साल तक कोई सत्ता में है ऐसा संभव नहीं है कि वहाँ काम ही ना हो, कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ तो कमी होगी। बिल्कुल यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत कमी तो सब जगह रही जाती है, लेकिन असली काम ये है शिक्षा सड़कें स्वास्थ्य इसके ऊपर जितना काम कांग्रेस में हुआ है इतना काम किसी अन्य के टाइम में नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी अभी चल रही है, एडमिशन हो रहे हैं, दो कॉलेज बने हैं, करके बोलना है, सड़कें बनी है, पुल बन रहे हैं। अगर पुल ही अगर विकास का वो है एक परीक्षा तो वो भी सब हो रहा है। और यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी में अभी सभी संकायों में केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल बिल्कुल मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास। यहाँ पर पुल की बात की, यहाँ शर्मा जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि यहाँ पर काम हुआ, लोग भी हैं यहाँ पर मौजूद, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा भी बनी है। मैं प्लीज मैं आप तमाम लोगों को एक चीज एक बार आप मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा, आप किसी का नाम क्यों ले रहे हैं, एक बार मेरी बात तो सुन लें, आप अपने लोगों की बात तो सुन लें। ओके फाइन, आप कोई देंगे जवाब इस बात का? ऐसा है मैंने पहले भी कहा है, जो हरियाणा प्रदेश की तस्वीर है उस तस्वीर को आप किसी से मुकाबला करके देखिए। यहाँ पर विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास कोई मुंह बोलती चीजें हैं, विकास हो तो अब रोहतक से निकलते हैं, कलानौर से निकलने के बाद सड़कें टूटी हुई है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं। और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, वर्तमान में यहाँ पर एक मिल है KT मिल, उसके ऊपर गैर कानूनी तालाबंदी हुई है, उसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे 500 परिवारों के चूल्हे। लेकिन माफ कीजिए से अलग जा रहे हैं, यहाँ पर जनता बहुत सारी ऐसी भी है जो कहती है काम हुआ है, ऐसा हो काम हुआ तो बताए ना, किसी पर्चे की बात नहीं करूंगा शिवशंकर जी, काम हुआ तो बताइए। काम बिल्कुल हुआ है, यहाँ पे दो पुल जो है, एक तो शाम बना है, दूसरा हाँसी रोड पे बन रहा है जी। इसी प्रकार से यहाँ पे इस शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की थी, भिवानी गगड़ ड्रेन जो बनी है वो कांग्रेस के राज में बनी है। यहाँ पे जिस तरह बैंक कॉलोनी में पानी नहीं था पीने का, अगर बूस्टिंग स्टेशन बने तो कांग्रेस के राज में बने हैं। 118 करोड़ रुपए कांग्रेस के राज में सेंक्शन हुए जो सीवरेज के लिए, 68 करोड़ रुपए मेरे टाइम में मैंने सेंक्शन करवाए हैं। बिल्कुल आपने बात रखी, बिल्कुल राहुल यहाँ अगर हम बात करें, बीजेपी तो आरोप लगा रही है विपक्ष में, आप भी विपक्ष में आरोप ही आप लगाएंगे, लेकिन अगर हम आरोपों से हटकर बात करें, यहाँ आम जनता ये भी कहती है 10 साल से अगर कोई लोग हैं बीच में तो वो काम तो करते हैं। ड्रेनेज व्यवस्था की बात करी भारद्वाज जी ने, आपको लगता है कि कुछ सुधरा है? कि ड्रेनेज की जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ आंकड़ों में ही पैसे आ रहे हैं, हकीकत में अगर भिवानी के अंदर अगर 1 इंच भी बारिश हो जाती है तो आधे आधे कमर तक पानी आ जाता है लोगों के पास। और जहाँ पे भी जितने भी कॉलोनियां हैं, माफ कीजिएगा राहुल मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, मैं आप लोगों से प्लीज
यहाँ। अच्छा आप नारे लगा लीजिए, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, एक फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन तमाम चीजों की चर्चा को आगे रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पब्लिक कुछ भी सुनने नहीं दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्लीज।